हाय एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नैरो बैंड पास फिल्टर बैंड पास फिल्टर के दो टाइप्स होते हैं वाइड एंड वाइड पास फिल्टर हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है अब इस वीडियो में हम नैरोड पास फिल्टर पढ़ेंगे ओके तो बैंड पास फिल्टर में हम किसी दो फ्रीक्वेंसी के बीच का पार्ट पास करवाते हैं और बाकी सब फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करवाते हैं मतलब एक पर्टिकुलर बैंडविथ अलाउ करते हैं तो ये जो बैंडविड्थ है वो वाइड बैंड पास फिल्टर में बड़ी होती है वाइड होती है और ये बैंडविड्थ नैरो में बहुत छोटी होती है तो जो नैरो बैंड पास फिल्टर है वो किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए डिजाइन किया होता है तो उसी फ्रिक्वेंसी पे वो मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है ओके okay, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो बैंडविड्थ है इसकी वो कितनी नैरो है बाकी सब फ्रिक्वेंसी वो ब्लॉक कर रहा है वो उतनी पतली सी जो बैंडविड्थ है वो ही वो पास करवा रहा है और एक ही फ्रिक्वेंसी पे इसकी मैक्सिमम गेन है वो है सेंटर फ्रीक्वेंसी और दूसरा जो डिफरेंस है वो है क्वालिटी फैक्टर का इसका क्वालिटी फैक्टर दस से ज्यादा है मतलब इसकी जो सिलेक्टिविटी है वो अच्छी है वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए कैपेबल है अभी आपने अगर इसके पहले वाइड बैंड पास फिल्टर पढ़ा है आपको याद होगा कि उसमें हमने एचपीएफ और एलपीएफ को कैस्केड करके वाइड बैंड पास फिल्टर बनाया था यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे मल्टीपल फीडबैक पार्ट लगे हुए हैं ये एक है देन ये सेकेंड है ऐसे मल्टीपल फीडबैक पार्ट लगे हुए हैं तो आपको इस सर्किट को समझने के लिए मैं इस सर्किट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिखा रही हूं ओके okay? तो ये जो पार्ट है ओके okay, ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर आर वन सी टू ये जो पार्ट है वो है इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एलपीएफ की तरह होता है उसकी जो गेन है वो घटती जाती है जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है ओके okay? मतलब आप जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तब उसकी गेन है वो घटती जाएगी तो ये एलपीएफ का काम हुआ ये जो पार्ट है सर्किट का आर वन और सी टू वो लो फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है देन अब ये सी वन और आर थ्री को देखो आपको डिफ्रेंशिएटर याद आया इंडिग्रेटर का अपोजिट डिफ्रेंशिएटर मतलब सिर्फ कैपेसिटर और रजिस्टर की जो पोजिशन है वो इंटरचेंज कर दिया है डिफ्रेंशिएटर होता है हाई पास फिल्टर क्योंकि उसकी जो गेन है वो बढ़ती जाती है जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओके तो ये जो डिफ्रेंशिएटर है वो हाई फ्रिक्वेंसी को पास करवाएगा और इंटीग्रेटर मतलब लो पास फिल्टर लो फ्रीकवेंसी को पास करवाएगा तो आपको जो वो नैरो बैंडविड्थ है वो जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो मिल जाएगी अभी इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है उस पर मैक्सिमम गेन है और वो गेन है पास बैंड गेन अभी ये गेन जब 0.707 से घटती है तब हम ये एफ एल और एफ एच फ्रिक्वेंसी को निकाल लेते हैं मतलब मार्क कर देते हैं ओके तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत सिंपल है इसके जो डिजाइन के इक्वेश्स है वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर एग्जाम में डिजाइन का क्वेश्चन आया तो आपको ये R1, R2, R3 टू कैलकुलेट करने होते हैं तो आपको डिजाइन के क्वेश्चंस में क्या क्या दिया जाता है क्यू दिया जाता है क्वालिटी फैक्टर पास बैंड गेन एंड सेंट्रल फ्रीक्वेंसी तो फर्स्ट स्टेप इज C1 वन इक्वल टू सी इक्वल टू सी जो कैपेसिटर्स है वो सारे इक्वल अज्यूम कर लो कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो जीरो माइक्रो वगैरह ओके okay, देन अभी आर वन के फॉर्मूला में आपके पास क्यू है देन सेंटर फ्रिक्वेंसी है कैपेसिटर भी है देन बैंड गेन भी है तो आप आर वन कैलकुलेट कर सकते हैं देन आर टू में भी वही सारे फैक्टर्स लेके कैलकुलेट करना है देन आर थ्री इज क्यू अपॉन पाई एफ सी टू सी आपके पास सारे फैक्टर्स है तो आप आर टू आर थ्री भी इजीली निकाल सकते हो ओके okay, तो आपको ये तीन आर वन आर टू आर थ्री के इक्वेशंस याद रखना है तो आपकी जो पासबैंड गेन होती है वो होती है आर थ्री अपॉइंट टू आर वन ओके तो सर्किट वो वैसे डिजाइन होगा कि उसकी पासबैंड गेन आर थ्री अपॉइंट टू आर वन आएगी एंड गेन मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन एफ शुड बी लेस देन टू क्यू स्क्र ओके अगर आपको ये जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करवानी है मतलब ये ओल्ड फ्रीक्वेंसी है और आपको किसी न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट डिजाइन करना है विदाउट चेंजिंग गेन एंड बैंडविड्थ मतलब उसकी गेन और बैंडविड्थ तो वही रहनी चाहिए बट मेरी सेंटर फ्रिक्वेंसी बदलनी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं हम नया R2 लगवा सकते हैं तो उस नए R2 की वैल्यू क्या होगी ये जो पुराना R2 है वो इनटू पुरानी FC एंड नई FC FC मतलब सेंटर फ्रिक्वेंसी ये इसका फॉर्मूला है R2 FC FC' स्क्वायर जिसमें FC' इज न्यू फ्रिक्वेंसी एंड FC इज ओल्ड फ्रीक्वेंसी इस तरह आप उस सर्किट की सेंडर फ्रीक्वेंसी बदला सकते हैं तो क्वेश्चन में ऐसे भी दिया होगा कि अभी यह सर्किट इस फ्रीक्वेंसी के लिए रीडिजाइन कीजिए तो आपको सिर्फ उस टाइम आर टू रजिस्टर चेंज करना है ओके okay? समझ में आ गया सब तो आपको अभी पास फिल्टर का सर्किट ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन समझ में आ गए होंगे ओके okay? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक like कीजिए मेरी पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू